संत कबीर जिले के प्रभारी मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम संत कबीर नगर पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से भेंट की, जिसके बाद वह कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा लगाए गए स्टॉल को देखा और स्टॉल में रखे गए स्वदेशी और उनके द्वारा बनाए गए सामानों को उन्होंने परखते हुए उसकी जानकारी हासिल की, जिसके बाद सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने व्यापारी और इन्वेस्टर्स से संवाद किया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का भी जमकर बखान किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। आज प्रभारी मंत्री के रूप में मैं इन्वेस्टर समिट पे अपने सभी अधिकारियों के साथ, अपने सांसद जी और अपने विधायक जी लोगों के साथ और संत कबीर नगर के सभी उद्यमियों के साथ यहाँ बैठक किया। चूँकि उत्तर प्रदेश में भी 10, 11, 12 तारीख को पूरे इन्वेस्टर समिट हुआ, जिसमें हर जनपद से आग्रह किया गया था, उद्यमियों से बात किया गया था। इस जनपद में 5,926.3 करोड़ का निवेश हुआ है, तो पूरे उत्तर प्रदेश को विकास के रथ पर बैठा करके आगे ले जाने का काम हमारे परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी कर रहे हैं। और ये पहली बार हुआ है कि हमारे उद्यमी, जिनका भरोसा विश्वास सब टूट रहा था, सब भाग रहे थे, पलायन कर रहे थे, इधर उधर जा रहे थे, ये पहली बार हुआ है कि जो बाहर भी आज उद्यम कर रहे हैं वो अपने वापस लौट करके संत कबीर नगर में आ जा करके उद्यम करने जा रहे हैं। पूरे 75 के 75 जनपदों में इन्वेस्टर काम करने के लिए तैयार हैं। उनके लिए हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर या उनकी जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारी की सारी हम सभी मुहैया कराएंगे। सरकार पूरी तरह उनको आश्वस्त कर दी है। आज हमारे निवेशकों का बहुत खुशी हो गई है, वो आ रहे हैं इस जनपद में और इससे हमारे जनपद का विकास होगा। तो ये थी संत कबीर नगर से हमारे संवाददाता मिथिलेश कुमार धुरिया की रिपोर्ट। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए टुडे जुनून के साथ।